हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? तो आप देख रहे हैं माइंड ब्लोइंग क्लासेस का यूट्यूब चैनल, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। मेरा नाम है ज्ञानेन, मैं पढ़ाता हूँ आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हमारा आज पढ़ना है बच्चे लोग, हमें कोलाइडी बिलियन बनाने की विधियाँ। यहाँ पर लाइट लग रही है तो यहाँ पर लिखा है कोलाइडी बिलियन बनाने की विधियाँ। कोलाइडी बिलियन बनाने की विधियाँ, दो तरह की विधियाँ। एक पहली आ जाती है संघनन या रासायनिक विधि, और दूसरी आ जाती है प्रक्षेपण विधि। प्रक्षेपण विधि में तीन विधियां हैं, यांत्रिक प्रक्षेपण, विद्युत प्रक्षेपण जिसे ब्रीडिंग आर्क विधि भी कहते हैं, और एक आ जाता है पेप्टीकरण। रासायनिक विधियों की बात करें तो इसमें कई तरह से हो सकता है, कई तरह से होता है, पर हमें मेजरली ये दो पढ़ने हैं। इन दोनों के कोलाइड कैसे बनाए जाते हैं रासायनिक विधि द्वारा, इन दोनों के पढ़ते हैं। तो इतना आप ऐसे लिख लेंगे अपनी नोट्स में। अब इसके बाद हेडिंग डाल लीजिए रासायनिक विधियाँ, हेडिंग डाल लीजिए रासायनिक विधियाँ, रासायनिक विधियाँ हेडिंग आप डाल लीजिए। तो विभिन्न कोलाइडी पदार्थ को रासायनिक विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, विभिन्न कोलाइडी पदार्थों को रासायनिक विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो हम पहले किसको पढ़ेंगे? एफई ओएच का होल थ्राइल, इस कोलाइड के बारे में पढ़ने वाले हैं, इस कोलाइड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चा लोग, देखो होता क्या है। जब Fe Cl3 के तन विलयन में, Fe Cl3 के तन विलयन में हम NH4OH डाल देते हैं, तो Fe OH का होल थ्राई प्लस क्या बनेगा, ये OH यहाँ चलेगा, NH4Cl बन जाएगा। समझ गए? इसका लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है जब ये अभिक्रिया होती है। तो इसका जब Fe Cl3 के तन विलयन में NH4OH सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन मिलाने पर Fe OH का होल थ्राई, ठीक है, का लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। इसी अवक्षेप को, ये कैसा अवक्षेप है, रेड ब्राउन लिख सकते हैं, रेड ब्राउन PPT लिख सकते हैं, रेड ब्राउन PPT, लाल भूरा अवक्षेप, समझ गया, प्राप्त होता। अब इसको छान कर क्या करते हैं, छानने के बाद, छान कर इस जिसको धोकर, छान कर धोकर इसमें PCl3 युक्त विलयन, जलीय विलयन, PCl3 का जलीय विलयन, PCl3 का जलीय विलयन मिला देते हैं इसमें, तो क्या बन जाता है बच्चा जी, कोलाइडी विलयन बन जाता है। समझ गए? इसको छानेंगे पहले। अब भाई अवक्षेप बिना, तो ये पूरा एक तरह का विलयन में है ना, ये अवक्षेप, ये अवक्षेप नीचे बैठा है, इसको अलग करेंगे, निकालेंगे हम, इसको धो ही लेंगे हम, पानी मिला के अलग कर धो लेंगे। फिर इसमें PCl3 का जलीय विलयन, का जलीय, ऐसे लिख लूँ, जलीय विलयन प्लस यही रेड ब्राउन PPT, लाल भूरा अवक्षेप, क्या बन जाता है, कोलाइडी विलयन बन जाता है। आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे ही आप लिख लेंगे। समझ गए बेटा जी? Fe Cl3 के तन विलयन में, ये तन है, तन विलयन में NH4OH का विलयन मिलाने पर Fe OH का लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है, जिसे छान कर धोकर Fe Cl3 का जलीय विलयन मिलाने पर जिस मिलाते हैं, जिससे कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है।
हो गया ये ख़त्म, हो गया ये ख़त्म। अगला क्या पढ़ लेते हैं, आर्सेनिक, आर्सेनिक ऑक्साइड से आर्सेनिक सल्फाइड पढ़ लेते हैं। आर्सेनिक सल्फाइड AS2S3। माना खेल चाम है तो प्यार है तो बदनाम है तो दे दो दे दो दे दो, ये पहला काम करम कागज कलम दबा दिला लिख दो दिल तेरे नाम शरम दे दो दे दो। ए कल वो वीडियो दिया था संडे को जो देखा था, नहीं देखा तो देखो जाके, मस्त वीडियो है, ठीक है, मस्त वीडियो, मस्त वीडियो, एकदम मस्त, देखो जाके, ना देखो देखो, ना मिले तो लिंक वीडियो में कमेंट किया करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, वो वाली वीडियो ज़्यादा शेयर किया करो, ठीक है, क्योंकि उस तरह की आदमी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, उन्हें तो आपके पापा को भी ज़रूरत होगी, आपकी मम्मी को भी ज़रूरत होगी, आपके भाई को भी ज़रूरत होगी, आपकी सिस्टर को भी ज़रूरत होगी, बाबा को भी ज़रूरत होगी, सभी को ज़रूरत होगी, घर परिवार रिश्तेदारी भी, लेकिन पढ़ाई वाली वीडियो तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए ज़रूरी होते हैं, ये उन्हीं के ज़रूरत के होते हैं, लेकिन वो वीडियो सबके काम के होते हैं, उन्हें शेयर किया करो ज़्यादा। समझ आ गई बात, आ गई ना समझ बात, ये कैसे बनता है बेटा जी, ये अभी मैंने बताया ना आर्सेनिक का क्या ऑक्साइड, आर्सेनिक के ऑक्साइड के जलीय विलयन में H2S गैस, कौन सी गैस, H2S गैस प्रवाहित करते हैं, समझ गए, प्रवाहित करने पर क्या यह क्या बनता है, AS2 S3 मतलब आर्सेनिक सल्फाइड, सल्फाइड प्राप्त हो जाता है, और इसका क्या प्राप्त होगा, ओबीसी बात है, क्या प्राप्त होगा, PPT और 6 प्राप्त होगा, समझ गए, किस में प्रवाहित कर रहे हैं, ये आर्सेनिक के ऑक्साइड में, आर्सेनिक के ऑक्साइड बोले तो AS2O3 में, AS2O3 में, ओ शेट सेट सेट लाइट चली गई हो, माना के हिल जाम है प्यार है ये बदनाम है ये। अब इस अवक्षेप को प्राप्त, इस अवक्षेप को क्या करेंगे, अवक्षेप में और जल भी बनता है इसमें, अच्छा बेटा जी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जल बना लेगा, ठीक, बैलेंस नहीं बैलेंस कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, एक ही है तो 3 यहाँ लगा देंगे, हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन हो गए 6, तो 6 करने के लिए 3 यहाँ पे लगा दें, सल्फर 3, 3 पर 3 हो गया। अब इसे क्या कर देते हैं, इसमें लिख लेंगे AS2O3, ठीक है, ये क्या है आर्सेनिक ऑक्साइड के जलीय विलयन में H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित करने पर H2S3 का अवक्षेप प्राप्त होता है, इस अवक्षेप को जल में घोलकर कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है, इस अवक्षेप को जल में घोलने पर कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है, एक जल होता ही और मिला के घोल लेते हैं उसमें कोलाइडी विलयन बन जाता है। चलो रासायनिक विधि हमारी हो गई ख़त्म, रासायनिक विधि हमारी हो गई ख़त्म, लाइट आने का इंतजार कर लो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, आगे फिर लाइट आने पर करते हैं विधि, आज हमें रासायनिक विधि ख़त्म करनी है, ठीक है बेटा जी, थोड़ा वेट कर लेते हैं, ठीक है, और फिर डिस्कस कर लेते हैं प्रक्षेपण विधियाँ, यहाँ पे लिखा है कोलाइडी कण, दिख नहीं रहा मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है कोलाइडी कण, क्या लिखा है कोलाइडी कण, ठीक है, प्रक्षेपण, प्रक्षेपण विधि में कौन सी विधि पढ़नी है हमें, यांत्रिक विधि, यांत्रिक विधि में क्या होता है, एक कोलाइडी चक्की है, एक तरह का यंत्र है, इसलिए यांत्रिक विधि बोल दिए, क्या होता है कोलाइडी पदार्थ लेते हैं, इसमें जो बड़े बड़े कण होते हैं ना, बड़े बड़े कोलाइडी, बड़े बड़े पदार्थ के अणु होते हैं, बड़े बड़े आकार के पदार्थ होते हैं, ठीक है, उन्हें कोलाइडी कणों के आकार में पीसा जाता है, जो कोलाइडी कण का आकार होता है, जितना कोलाइडी कण का आकार होना चाहिए, जो हमने पीछे पहले पढ़ा था ना मैंने, 1 नैनोमीटर से कितने नैनोमीटर, 3 नैनोमीटर तक कोलाइडी कणों का आकार होता है, उसमें ठीक है, सही है,
इतना आकार बनाया जाता है इससे पीस के। यहाँ पे दो धातु की बड़ी डिस्क लगी होती है जो आपस में घूमती है तारु एक के ऊपर एक, जैसे कि आटा पीसने वाली चक्की होती है ना, पत्थर होते हैं लगड़ते हैं आपस में घूमते हैं, तो एक एक तो स्थिर होती है एक घूमती है, तो उसमें में जो कोलाइडी करके बड़े बड़े कण होंगे, बड़े बड़े ढेले होंगे पदार्थ के, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं समझे। फिर उन्हें उन टुकड़ों को उचित माध्यम में मिला देते हैं जिससे कोलाइडी विलयन बन जाता है, समझ गए। यही होता है इसमें कुछ नहीं, थोड़ा सा लिख लो बस। इस विधि में कोलाइडी पदार्थ को लेकर कोलाइडी चक्की में पीसा जाता है, इसके बाद पीसे हुए पदार्थ को उचित माध्यम में घोला जाता है, इससे बाद पीसे हुए पदार्थ को उचित माध्यम में घोला जाता है जिससे कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है, जिससे कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। इस विधि द्वारा इंक पेंट आदि के कोलाइडी विलयन प्राप्त किए जाते हैं। इस विधि द्वारा इंक हो गई, पेंट हो गया, ठीक है। यहाँ तक कि और मैं बता दूँ आपको तो तू वाशिंग और छापे खाने की स्याही हो गई, टूथपेस्ट हो गया, ये सभी इस विधि द्वारा बनाए जाते हैं, समझ गए। सभी के कोलाइडी कण इसके द्वारा बनाए जाते हैं। और लिख सकते हैं कोलाइडी चक्की में दो धातु के पात्र होते हैं, या धातु के डिस्क पात्र जो भी कहो, ठीक है, जो विपरीत दिशा में तीव्रता से घूमते हैं। इनके मध्य का अंतर कम या अधिक किया जा सकता है, मतलब ये घटाया बढ़ाया जा सकता है। गाला जैसे पत्थरों में जब चक्की होती है आटा वाली, पत्थरों में जो गैप होता है कम ज़्यादा किया जा सकता है, कि दाब लगाने के लिए होता है ना, बना बना होता है, ठीक वैसे ही यहाँ पे भी व्यवस्था है, समझ गए। ठीक है बस हो गया इतनी, अगली आ जाती विद्युत बेदी, ठीक है, उसका भी फिगर बना लूँ मैं, फिर आपको उसको भी समझा के लिखा देता हूँ, ठीक है। फटाफट ख़त्म कर लेते हैं इसको, फिगर बना लूँ मैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, दो पात्र लेने हैं। ब्रीडिंग आर्क विद बोल देते हैं उसे ना, ब्रीडिंग आर्क विद भी बोल देते हैं ना बेटा जी। दो पात्र लेते हैं यहाँ पे, एक तो जनरली कितने पात्र लेते हैं बेटा जी, दो पात्र लेते हैं। एक एक इस बाहर वाले में क्या लगा देंगे, बर्फ़ के गोला, बर्फ़ के टुकड़े लगा देते हैं, समझ गए। ये क्या डाल लगा रहा हूँ मैं, ये बर्फ़ लगा रहा हूँ बेटा जी, बर्फ़ क्यों लगा रहा हूँ बाद में पता चलेगा आपको। आप अपने गोले के साइज अपने अंदर एडजस्ट कर लेना, मैं फटाफट जल्दबाजी में कर रहा हूँ, ठीक है बच्चा ले। अब डिजिटल बोर्ड हो और कमाए तो घंटा कुछ है नहीं, डिजिटल बोर्ड हो तो इस तरह फिगर बनाने न पड़े, पर बना के दिखाता हूँ उससे ज़्यादा अच्छा रहता है। डिजिटल में बना बनाया मैं ले आऊँगा, है ना, बना बनाया ले आऊँगा, उससे कोई मतलब है नहीं यार, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगेंगे, दो राड लगेंगे, क्या लगेंगे बेटा जी, दो राड लगेंगे, ठीक है, दो राड लगा दूंगा मैं, ठीक है हो गया। क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन, क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन मेरे दिल भर आने। अभी रात में आएंगे ना, रात में आएंगे आज वो मेरे दिल भर आने वाले। कलियाँ बिछाना राहों में हम दिल को बिछाने वाले हैं, क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन, क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन मेरे दिल बरगाने वाले हैं। यहाँ पे जल भरा रहेगा, दांत की छड़े होती हैं, जैसे हमें गोल्ड का बनाना तो गोल्ड की छड़ लेंगे, प्लेटिनम का बनाना है इसमें तो प्लेटिनम की छड़े लेंगे, समझ रहे हो। ये विद्युत आर्क हो जाता है, विद्युत आर्क मतलब विद्युत चिंगारी, जब तार जॉइंट होते चिंगारी निकलती है ना बहुत सारी, वही चीज़ें यहाँ पे होती, विद्युत आर्क बोलते हैं इसको। आर्क क्या होता है बच्चे पूछ लेते हैं, आर्क मतलब चिंगारी, चिंगारी समझ रहे हैं ना, जब तार जॉइंट कर रहे हैं ना बहुत सारी चिंगारी निकलती है, वही चीज़ है,
ये बर्फ हो गई, दाक्षण हो गई, यहाँ पे के ओ एच भी मिलाते हैं, इसमें थोड़ा सा के ओ एच भी मिलाते हैं। ठीक, के ओ एच बहुत हल्की मात्रा में होता है। ठीक है, के ओ एच क्या होगा, बहुत हल्की मात्रा में होगा, समझ गया। ठीक है, बर्फ हिमकारी मिश्रण का कार्य करता है, प्रक्षेपण माध्यम, प्रक्षेपण माध्यम यहाँ पे क्या है, यही जल और के ओ एच, समझ गए, ये फिगर होता है इसका। ठीक है, होता क्या बेटा जी, इसके द्वारा हम कापर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, इन सभी का जिंक का भी कर सकते हैं, जेडन का भी कर, इन सभी का कोलाइडी विलयन, कोलाइडी साल बनाते हैं, समझ गए। करते क्या है, इन दोनों को विद्युत इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ देंगे, विद्युत धारा से जोड़ देंगे। अब धारा जाएगी तो यहाँ पे स्फुलिंग होगी, विद्युत स्फुलिंग होगी, जिससे विद्युत आर्ग उत्पन्न होगा। ठीक है, विद्युत आर्ग उत्पन्न होगा, बहुत ज़्यादा गर्म होगा, ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा, तो ये धातु है जैसे सोने की ही रहे, गोल्ड की छड़े ली हुई, यहाँ पे ये बहुत बड़ा कण है, बहुत बड़ा परमाणु है ना, बहुत सारे परमाणु हैं, इसमें छोटे छोटे कण, इसके छोटे छोटे कण टूट टूट के विलयन में जाएंगे। ठीक है, इसमें जाएंगे, लेकिन यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो तुरंत ये उड़ते हैं, वेपराइज होते हैं, वाष्पीकृत होते हैं, समझे। तो ये बर्फ़ लगी होती है, इसे ठंडा करती है, ठंडा करके पुनः इसमें इसको मिला देती है, मतलब वेपराइज होने नहीं देती, उसे ठंडा करने की कोशिश करती है, ठंडा हो जाता है इसमें, फिर आ जाता है तो इसमें इसके साथ मिलकर कोलाइडी विलयन बना लेता है, कोलाइडी विलयन बना लेता है। अब के ओ एच क्यों मिलाए, के ओ एच यहाँ पे पेप्टिकारक का कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पे एक तरह के कारक का कार्य करता है। होता क्या है, जैसे कि इनके मध्य है ये है, तो यहाँ पे के ओ एच का ओ एच जो होगा इनके चारों तरफ एक तरह का, इनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाएगा, लेयर बना लेगा, इनके पास लेयर बनाएगा, दोनों को निगेटिव चार्ज कर देगा, निगेटिव चार्ज कर देगा तो आपस में जुड़ेंगे नहीं, फिर नहीं तो इनके आपस में परमाणु आपस में जुड़ जाएंगे, इनके जो अणु होंगे आपस में जुड़ जाएंगे तो फिर कोलाइडी विलयन कहाँ रह जाएगा, बड़ा सा अणु बन जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, समझ गए। तो इनमें समान आवेश देने के लिए ये चीज़ होती है। ठीक है, इनमें आवेश दे देता है। ठीक है, इसका हो जाए तो ये आपस में रिपल करा करते, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते, तो आपस में जुड़ते नहीं, इससे हमारा कोलाइडी विलयन आसानी से तैयार हो जाता है। ये फिगर बनाना है आपको। ठीक है, ब्रीडिंग आर्क विधि भी इसको बोलते हैं, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रीडिंग आर्क विधि भी इसको नाम होता है, क्या नाम बोला मैंने, ब्रीडिंग आर्क विधि। लिख लेना ब्रेकर में, या फिर कौन सी दूसरी विधि पढ़ रहे हैं, विद्युत विधि, या क्या कह देंगे, विद्युत विधि या ब्रीडिंग आर्क विधि, अब लिख डालो, बस जो समझाया बस वही लिखना है, लिखो। इस विधि में 200 दुधात की छड़ लेकर उनके एक सिरे को स्पर्श कराकर दूसरे सिरे को कुंजी तथा 220 वोल्ट मीटर एसी करंट से जोड़ देते हैं। दोनों छड़ों को उचित प्रक्षेपण माध्यम में डुबोकर हिमकारी मिश्रण, मतलब बर्फ के मिश्रण में, ऐसे कह सकते हैं, हिमकारी मिश्रण में रख देते हैं। एक लाइन सुनो, पीयूष करो, वीडियो रोको, फिर लिखो। हिमकारी मिश्रण में रख देते हैं। अब कुंजी दबाने पर विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं, जिससे छड़ों के मध्य विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, धातु के कण विक्षेपित होकर परिक्षेपण माध्यम, ये दोनों की विलयन क्या कहलाएगा, परिक्षेपण माध्यम, प्रक्षेप प्रवस्था ये धातु के कार्य करेंगे, परिक्षेपण माध्यम में चले जाते हैं या फिर संघनित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराने पर शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। इसके द्वारा कोलाइडी विलयन बना सकते हैं। इसके द्वारा जेडन, सीयू, एजी, एयू, पीटी आदि का कोलाइडी विलयन बना सकते हैं। हो गई ये बिट खत्म। अगली बीड आ जाती है पिप्तीकरण। कौन सी बीड आ जाती है, पिप्तीकरण।
पिप्तीकरण। अगली भी जा जाती है पिप्तीकरण, पिप्तीकरण, पिप्तीकरण। जुखाम हो गया यार। तीसरी आ जाती प्रक्षेपण विधि की पिप्तीकरण, इंपॉर्टेंट ये भी है। पिप्त करण। अच्छा जितनी विधियां पढ़ रहे हैं ना, ठीक है जितनी विधियां पढ़ रहे हैं ना, लियोफोबिक के लिए पढ़ रहे हैं। अच्छा लियोफोबिक के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, समझ गए। चलो लिखो। प्रेसिपिटाइजेशन क्या होता है? किसी ताजा अवक्षेपित पदार्थ में उपयुक्त विद्युत अवघट मिलाकर कोलाइडी विलयन बनाना, कोलाइडी विलयन बनाना पिप्तीकरण कहलाता है। अवक्षेपित गोलाई में यदि कोई विद्युत अवघट मिला दिया जाए तो वह पुनः कोलाइडी कणों पर आवेश उत्पन्न करने दे, ठीक है, जिससे कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। इस घटना को पिप्तीकरण कहते हैं तथा प्रयुक्त विद्युत अवघट पिप्तीकारक कहलाता है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, अवक्षेपित कोलाइड को किसी विद्युत अवघट द्वारा पुनः कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करना पिप्तीकरण कहलाता है। प्रयुक्त विद्युत अवघट को पिप्तीकारक कहते हैं, समझ गए। कुछ नहीं, सिंपल सी परिभाषा है। कोई ताज़ा अवक्षेपित पदार्थ, ठीक है, किसी ताजे अवक्षेपित पदार्थ, अभी तुरंत अवक्षेपित हुआ, अवक्षेपित होने का मतलब वो नीचे बैठा हो, अवक्षेप में बदला हो तुरंत, ठीक है, कोई पदार्थ हो अवक्षेप में बदला हो किसी अभिक्रिया द्वारा, ठीक है, उसमें एक विद्युत अवघट मिला दो, विद्युत अवघट मिला दो, समझ गए, विद्युत अवघट मिला दे दें कोलाइडी विलयन, विद्युत अवघट मिलाकर ही कोलाइडी विलयन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? पिप्तीकरण कहलाती है। प्रयुक्त विद्युत अवघट पिप्तीकारक कहलाता है। जो पदार्थ हमें प्रयुक्त करते हैं वह क्या कहलाता है? विद्युत अवघट कहलाता है, समझ गए। इसके उदाहरण बहुत सारे हो जाते हैं, इसके उदाहरण आप लिख लीजिए, ठीक है। यफी ओएस का होल थ्राई, यफी एग्जांपल लिखो, पहला यफी ओएच का होल थ्राई कोलाइडी अवक्षेप में कुछ मात्रा, ये कोलाइडी अवक्षेप है ना, हमने रासायनिक विधि में पढ़ा था ना, ये लाल रेड ब्राउन पीपीटी देता था, अवक्षेप देता था, अवक्षेप में ही कोई विद्युत अवघट मिला देंगे, क्या मिलाए थे, क्या मिलाए थे, या फिर Cl3 ही तो मिलाए थे इसमें, या फिर Cl3 मिलाए थे कि नहीं मिलाए थे वहाँ पे, हाँ मिलाए थे ना, इसको मिलाने पर क्या बन जाता था? कोलाइडी विलयन। तो लिख लोगे या फिर OH का होल थ्राई कोलाइडी अवक्षेप में कुछ मात्रा या फिर Cl3 की मिलाने पर कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। यहाँ या फिर Cl3 पिप्तीकारक है, समझ गए। अगली वाली भी लिख लो जो लिखाए थे हम, H2S3 कोलाइडी, दूसरी भी H2S3 कोलाइडी अवक्षेप को H2S गैस कोलाइडी अवक्षेप में H2S गैस की धारा में घोलने पर कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। यहाँ H2S पिप्तीकारक है, यहाँ H2S क्या है? पिप्तीकारक है। ब्लड को संरक्षित करने के लिए कैल्शियम फास्फेट पिप्तीकारक रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे फाउंटेन पेन या जेल पेन की स्याही में पिप्तीकारक प्रयोग किया जाता है। ब्लड को क्या करते के लिए? संरक्षित करने के लिए, मतलब ब्लड जो हम ब्लड रखते हैं ना उसमें भी पिप्तीकारक का उपयोग करते हैं, समझे। जो ब्लड बैंकों में ब्लड इकट्ठा करके रखा जाता है, जरूरत पड़ने पर दूसरों को चढ़ाया जाता है, संरक्षित मतलब सुरक्षित रखते हैं ब्लड, तो वहाँ पिप्तीकारक लगाते हैं, क्योंकि वो कोलाइडी ब्लड भी हमारे एक तरह कोलाइडी विलयन है, समझ गए। जो मम्मी हमारे घर पे आटा गूंथती हैं वो भी एक तरह कोलाइडी विलयन है, वहाँ भी तो आटे के बहुत सारा बुरा आता होता है, छोटे छोटे कण होते हैं, पानी में मिलाने पर वो क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं, सब कण आपस में जुड़ जाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े कण बना लेते हैं, बड़े बड़े कण आपस में जुड़ जाते हैं, एक तरह कोलाइडी विलयन तैयार हो जाता है। मम्मी रोज़ कोलाइडी विलयन बनाती है, तुमने ध्यान नहीं दिया था आज तक, तो ब्लड भी हमारा एक तरह कोलाइडी विलयन है, समझे। वहाँ पे जो कण है, वहाँ पे जो कण होते हैं समझ लो ब्लड में, उन्हें वैसे बनाए रखने के लिए पिप्तीकारक का यूज किया जाता है, ठीक है, ताकि कोलाइडी विलयन में बना रहे, समझ आ गई बात।
तो हमारी बनाने की विधियाँ हो जाती हैं ख़त्म। ठीक है, अब हमें पढ़ना है कोलाइडी विलयनों के गुण, गुणधर्म। गुणधर्म एक ही वीडियो में सारे के सारे देख डालेंगे। फिर कोलाइडी विलयन का शोधन भी बचता है एक टॉपिक, शोधन वाला टॉपिक छोटा ही है और उसे पढ़ लेंगे तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं, पायस बचे जाएगा। दो तीन वीडियो में ये लेसन ख़त्म हो जाएगा, तीन वीडियो मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा बस। समझ गया बच्चा लोग? तो ख्याल रखो, घर पे रहो, जो ठीक है सपोर्ट करते रहो ऐसे। ठीक है, आप लोग अच्छे हैं, कोई मिला कर बता दिया करो बेटा पढ़ो बेटा, स्कूल स्कूल खोलने वाले नहीं हैं, पढ़ो बेटा नहीं तो फेल हो जाओगे। फेल नहीं, डराओ मत, पर पढ़ेगा तो अच्छे नंबर आएंगे आप। सब पढ़े, सब पढ़े। ठीक है, मैं देखो पढ़ा रहा हूँ बिंदास, न कुछ मिलना है न मिलाना है, पढ़ा रहा हूँ ना, पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ते रहो, क्या दिक्कत है। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।